नमस्कार। तो सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। इसका आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम हो, लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो, या फिर आने वाला लाइन मैन या फिर कोई और एग्जाम हो। जैसे कि पहले भी हेल्प मिलती रही है, वैसे आगे भी हेल्प मिलती रहे, हम हर इक्वेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 143 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं फुलैच फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये फुलैच मेला है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। देखो, फुलैच मेले की बात करें कि ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आयोजित होता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब फुलैच फेस्टिवल आयोजित होता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर और भी फेयर और फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे कि लोसर फेस्टिवल है। लोसर फेस्टिवल देखो, ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल है और ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में ही जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और फुलैच फेस्टिवल किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा किन्नौर में, मैंने पहले भी आपको बताया है कि किन्नौर में उक्यांग फेस्टिवल भी मनाया जाता है, या फिर आप कह लीजिए फुलैच फेस्टिवल को ही उक्यांग फेस्टिवल कहा जाता है। किन्नौर में जागरो फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। किन्नौर में जो है एक साजो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। किन्नौर में खेपा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये प्रिमेटिव सोसाइटी फेस्टिवल है जो कि रोपा वैली में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि रोपा वैली कहाँ पर स्थित है। रोपा वैली जो है वो किन्नौर में स्थित है। रोपा और रिब्बा में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोपा वैली किन्नौर में है, रिब्बा वैली भी किन्नौर में है, परंतु रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है, अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए। 144 देखिए, बोलते हैं इन विच प्रिंसली स्टेट डिड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सर्व एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनकी बात की जा रही है, ये किस रियासत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके थे। तो ये जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके हैं सिरमौर रियासत के। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सिरमौर रियासत के रह चुके हैं। आपने ध्यान रखना है ये सिरमौर रियासत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1937 से लेकर 1941 के बीच में रहे थे, और इनके द्वारा इनका जो जन्म था वो 1906 में हुआ था। 4 अगस्त 1906 में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें कि इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, वो किताबें कौन कौन सी हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस किताब आती है, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज किताब आती है, हिमाचल प्रदेश केस ऑफ स्टेटहुड किताब आती है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलियंड्री जो है ये किताब आती है। तो ये किताबें आप ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बने थे। पहली बार तो बने थे, परंतु उसके बाद भी बने थे, तो टोटल ये 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कब कब का? पहली बार 1952 से लेकर 1956 तक, उसके बाद 1963 में, उसके बाद 1963 से लेकर 1967, 1967 से लेकर 1972 और 1972 से लेकर 1977 तक। ये आपने ध्यान रखना है। तो इनके सारे काम आप ध्यान रखिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अर्नड फेम फॉर इट्स रुमाल। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसने अपने रुमाल के लिए जो है वो ख्याति हासिल की है। तो आपको पता है रुमाल कहाँ का फेमस है। रुमाल फेमस है चंबा का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चंबा का रुमाल फेमस है, कांगड़ा की पेंटिंग फेमस है। अब चंबा का रुमाल क्यों फेमस है। चंबा का रुमाल, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े रुमाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे रुमाल भी होते हैं, ये ऐसे यूज़ किए जाते हैं जैसे घर में सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इनके ऊपर जो कढ़ाई होती है, इनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है, वो दोनों साइड से देखने में सेम ही लगती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि नॉर्मल ऐसा होता है कि एक साइड से आप कढ़ाई करेंगे तो दूसरी साइड से वो कुछ और दिखेगी, परंतु इसकी दोनों साइड से देखने में सेम ही लगती है, इसीलिए ये फेमस है। दूसरा आपने एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है, नाम है ललिता वकील। ललिता वकील को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, अभी इस बार दिया गया। तो जब दिया गया था तब भी हमने बात की थी, परंतु अब आप फिर से जानिए इनको चंपा रुमाल के लिए जो था वो ये जो था वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चंपा रुमाल को लेकर इन्होंने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। आप कह सकते हैं कि इस परंपरा को, इस कला को संरक्षण करने में इनका बहुत योगदान रहा है, इसीलिए ललिता वकील जो कि चंबा से संबंध रखती हैं, इनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 146 क्वेश्चन। बोलते हैं मृकुला देवी टेम्पल सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मृकुला देवी टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है।
मृकुला देवी टेम्पल लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में ये स्थित है मृकुला देवी टेम्पल, मृकुला माता का मंदिर। वैसे आप आमतौर पर लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्रीज पढ़ते हैं, परंतु लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्रीज के अलावा ये मृकुला देवी टेम्पल भी इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो वुड कार्विंग की गई है, लकड़ी के ऊपर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, वो हडिम्बा माता का जो मंदिर मनाली में है उससे मिलती जुलती हैं। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं से, इसको भी ध्यान रखिएगा। लाहौल स्पीति में ये स्थित है, लाहौल स्पीति में जो मोनेस्ट्रीज हैं उनके क्या क्या नाम है। ढंकर मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति के काजा में है, शाशूर गोमपी मोनेस्ट्री जो है लाहौल स्पीति के केलोंग में है, ताबो मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति के काजा में है, और आपने ध्यान रखना है की मोनेस्ट्री स्पीति में स्थित है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। बेसिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं सुमन रावत वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। सुमन रावत ने किस वर्ष परशुराम अवार्ड जीता था। देखो सुमन रावत की बात करें कि इन्होंने परशुराम अवार्ड कब जीता था, परशुराम अवार्ड इनके द्वारा 1987 में जीता गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, बनता है कि पहला परशुराम अवार्ड किसको दिया गया था। पहला परशुराम अवार्ड सुमन रावत को दिया गया था, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं और 1987 में इनको ये दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के और भी ऐसे अवार्ड्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड सबसे पहली बार किसको दिया गया था, जयदेव किरण को ये सबसे पहली बार दिया गया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड सबसे पहली बार किसको दिया गया था, ये श्री केशव नारायण को दिया गया था, और परशुराम अवार्ड का आपको पता चल गया। डॉक्टर यशवंत सिंह एक अवार्ड है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड, ये सबसे पहली बार मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया था। तो ये सारे अवार्ड्स आप ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताए, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनेगा। सुमन रावत को जो है वो अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है, ये भी आपने ध्यान रखना है, सुमन रावत को अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिला है। अच्छा ये तो हो गया अवार्ड के बारे में, अब मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है और उसकी स्थापना कब की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 148 क्वेश्चन बोलते हैं गी इज फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं गी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का इम्पोर्टेंट फोक डांस है। तो गी आप पढ़ते हैं कि ये फोक डांस है, कहाँ का फोक डांस है, सिरमौर का फोक डांस है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। तो सिरमौर के इम्पोर्टेंट फोक डांसेज में कौन कौन से डांसेज आते हैं, बूढ़ा यहाँ का फेमस डांस है, राशा यहाँ का फेमस डांस है, जूरी यहाँ का फेमस डांस है, बिट्सू यहाँ का फेमस डांस है। ये लोक नृत्य हैं फेमस कहाँ के, सिरमौर के। बाकी आपने ध्यान रखना है कि जो गी है ये शिमला सिरमौर यहाँ पर भी परफॉर्म किया जाता है। और कुल्लू के इम्पोर्टेंट डांसेस कौन कौन से हैं, तो कथड़ी कुल्लू का इम्पोर्टेंट डांस है, दिल्ली कुल्लू का इम्पोर्टेंट डांस है। किन्नौर के डांसेस कौन कौन से, किन्नौर में छाम्ब्र नृत्य होता है, कयांग होता है, बाख्यांग नृत्य होता है, ब्यांगछु नृत्य होता है, जापरू नृत्य होता है। और लाहौल स्पीति में शांत डांस होता है, शाबू डांस होता है, लंगद्रामा डांस भी लाहौल स्पीति जो है लाहौल स्पीति में होता है। ये आपने ध्यान रखना है। एक मोहना इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, कहाँ का है, ये बिलासपुर का इम्पोर्टेंट सॉन्ग है। उसी तरह बिलासपुर के अलावा बांठड़ा जो है वो मंडी का इम्पोर्टेंट लोक नाट्य है। ये सारे ध्यान रख लीजिए, ये छोटे छोटे हैं परंतु इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में थोड़ा सा आगे पीछे कन्फ्यूजन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं अर्नी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, देखो अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है इसको डिस्कस करें। उससे पहले जान लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अर्नी यूनिवर्सिटी जो है वो इंदौरा में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब ये इंदौरा कहाँ पर पड़ता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। काफ़ी टाइम से हमने हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो डिस्कस नहीं की है, अब इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है एक तो, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, ये शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में स्थित है, APG यूनिवर्सिटी शिमला में स्थित है, अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा में स्थित है, पता चल गया आपको। इसके अलावा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है हिमाचल प्रदेश के बंदला में स्थित है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी सोलन में स्थित है, एटर्नल यूनिवर्सिटी है ये बड़ू साहिब में स्थित है, बद्दी यूनिवर्सिटी बद्दी में स्थित है, श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में स्थित है, और इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये बाथू में स्थित है, बाथू ऊना में पड़ता है, और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है सोलन में स्थित है,
और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी सोलन में स्थित है, और मानव भारती यूनिवर्सिटी जो काफ़ी चर्चा में रही थी वो भी सोलन में स्थित है। बाकी तो इम्पोर्टेंट कुछ आसान आसान सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप सभी को पता ही होंगी, तो वो डिस्कस भी ज़्यादा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 150 बोलते हैं, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोल डैम जो बिजली परियोजना है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? कोल डैम को जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है वो कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि कोल डैम को NTPC के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब कोल डैम को एग्जीक्यूट करता है कौन? NTPC, इसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 800 मेगावाट की ये परियोजना है। पूछा गया है लाइट सर्विस में कि कोल डैम की कैपेसिटी कितनी है, तो 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा NHPC किसको एग्जीक्यूट करता है? तो चमेरा परियोजना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है, चमेरा एक परियोजना, चमेरा दो परियोजना, चमेरा तीन परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं को NHPC जो है वो एग्जीक्यूट करता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो किसको एग्जीक्यूट करता है? तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये किस किस परियोजना को एग्जीक्यूट करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएँ हैं जैसे कि बिनवा हो गया, बनेड़ हो गया, जो कि बिनवा बनेड़ ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, इनके ऊपर जो परियोजनाएँ बनी हैं वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किसको एग्जीक्यूट करता है? तो SJVNL की बात करें कि ये किसको एग्जीक्यूट करता है, तो ये एग्जीक्यूट करता है जैसे कि नाथपा झाकड़ी परियोजना हो गया, लुहरी परियोजना हो गया, इन परियोजनाओं को जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है एग्जीक्यूट करता है। तो चार की चार परियोजनाएं आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तहसील पूछा गया है। कुगती परियोजना वैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, पहले तो यही पता होना चाहिए। कुगती परियोजना डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। अगर तहसील आपसे पूछा गया है तो ये भरमौर तहसील के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। भरमौर तहसील है डिस्ट्रिक्ट चंबा की। अभी भरमौर में जो मणिमहेश यात्रा है वो भी शुरू हुई, तो आपने ध्यान रखना है कि कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भरमौर तहसील में आती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ज़्यादा नहीं तो एक बार चंबा डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर रिवाइज करनी है। तो ये है गेम्यूल्स या बही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचू तहना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाटॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हेन हिमाचल प्रदेश ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971, इट बिकेम विच स्टेट ऑफ हिमाचल, विच स्टेट ऑफ इंडिया। बोलते हैं जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो वो भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था? अब देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, कौन से नंबर का ये राज्य बना था? आपने ध्यान रखना है कि ये 18वें नंबर का राज्य बना था। ऑप्शन बी सही आंसर है। और 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरा आपने ये याद रखना है, आपने ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उस टाइम इसका गठन से इसमें सिर्फ 4 जिले हुआ करते थे, और 5वें नंबर का जिला यहाँ पर 1954 में बिलासपुर आकर जो था वो जुड़ा था। बिलासपुर के बाद 6ठे नंबर का जिला किन्नौर जुड़ा था 1960 में। इसी बीच 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1956 में बना था, 1971 तक ये रहा था। 1971 में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उन्होंने शिमला के रिज मैदान से ये घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो घोषित किया गया था। अगर पूरी डेट के साथ आप याद रखना चाहते हैं तो 25 जनवरी 1971 आपको ध्यान रखना है, 25 जनवरी 1971 आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। अच्छा, और अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @TOLExam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21,300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके।